कहते हैं पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी, लेकिन कैसे रहेगा अगर महिलाएं उन्हें राखी बांध दें। जी हाँ, ऐसे ही एक थाना इंचार्ज हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है जिन्होंने महिलाओं को अपनी बहन बनाया है। जी हाँ, TI मेरा भाई नाम की एक मुहिम सर चला रहे हैं। आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में थाना इंचार्ज सतीश पटेल सर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उस मुहिम के बारे में। सबसे पहले तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। सर, TI मेरा भाई जो एक मुहिम है, सर ये शुरू कहाँ से हुई? दरअसल मैडम, ये 2016 में मेरी पोस्टिंग छपारा थाने में थी, सिवनी जिले में। वहाँ पे इसका बड़ी एक संयोगवश इसकी पोस्ट अचानक से ही दिमाग में आया कि अच्छा, ये पहले बैकग्राउंड में ये हमेशा चलता रहता था कि पुलिस की इमेज को लेके सुधार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता है जब आप अच्छा काम करते हो। उस दिन 2016 रक्षाबंधन पे एक्चुअली मेरी जो सिस्टर हैं, दीदी हैं, उन्होंने मेरे से पहले पूछ लिया था करीब एक हफ्ते पहले कि तुम आओगे या राखी पोस्ट कर दें। तो मुझे, मैंने कहा नहीं, मैं आ जाऊँगा, क्योंकि रक्षाबंधन पे और कोई तीज त्यौहार नहीं होते ज़्यादा, तो लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं होती है, छुट्टी मिलने की संभावना होती है। लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई। तो फिर वो रक्षाबंधन के दिन फिर मुझे ऐसा लगा कि बड़ा ख़राब लग रहा था। तो उस वक्त मुझे लगा कि एक जो भाई होता है और एक जो TI होता है, वो दोनों का जो काम है मिलता जुलता है, थोड़ा सा हम उसको मैग्नीफाई करते हैं तो वो TI नज़र आता है। और वो चूँकि भाई की एक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, बहन की, जो TI होता है वो पूरे थाना क्षेत्र की का एक रखवाला होता है, प्रोटेक्टर होता है, तो दोनों की जिम्मेदारी मुझे मिलती जुलती लगी। तो मुझे उस वक्त लगा कि क्यों ना थाना क्षेत्र की कुछ माताएं बहनों को बुला लिया जाए रक्षाबंधन के लिए। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे थाना क्षेत्र में रहने वाली माताएँ बहनें अपने आप को उतना सुरक्षित महसूस करें जितना तब करती जब खुद उनका भाई उस क्षेत्र का थाना प्रभारी होता, और मैं स्वागत करूँगा। पहले मैंने उसमें रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक ही उसको लिखा था जी। लेकिन मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये सबको इतना ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद वो धीरे 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 वायरल हुआ वो मैसेज, और धीरे धीरे स्कूल कॉलेज की लड़कियों से लेके तो फिर जो आम महिलाएँ, मोहल्ले की महिलाएँ, और लेकिन सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिला गाँव में। गाँव में महिलाओं को बहुत ज़्यादा ये मुहिम बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे ये सामाजिक बुराइयों से भी जुड़ने लगी है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी इसकी भूमिका आने लगी सामने, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित होती गांव की शराब से जी। फिर हमने शराब बंदी की तरफ इसमें मुहिम चलाई, और तो धीरे धीरे फिर महिलाओं के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया वो सबसे अच्छी उपलब्धि रही इस मुहिम की जी। सर, ऐसी एक घटना हमने सुनी थी जिसमें मतलब आपको इस मुहिम के तहत एक, बोल सकते हैं, एक फ़ायदा भी हुआ आपके कामों में, उसके उस घटना के बारे में आप बताइए। वैसे तो कई फ़ायदे इसके, मतलब बेसिक पुलिसिंग में तो कई फ़ायदे हुए हैं इसके। कई आरोपी पकड़े गए, कई अपराध होने के पहले रुके। सबसे अच्छी इसकी उपलब्धि ये रही कि अपराध होने के पहले रुके। क्रिमिनल्स में मैसेज गए कि अब, मतलब जब महिलाएं और पब्लिक जब जुड़ जाती पुलिस से तो क्रिमिनल्स ऑटोमेटिक पीछे हट जाते हैं, वो तो होने के पहले अपराध रुके। सबसे अच्छी बात, आप जिस पर्टिकुलर घटना की बात पूछ रहे हैं वो अभी हाल ही में एक पुराना मामला था हमारा, मेरी थाना कुंडम में पोस्टिंग थी वहाँ पर एक पुराना मामला था, उसमें एक गैंगरेप का मामला था, नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था, 3 आरोपी थे उसमें। तो जो एक मुख्य आरोपी था वो घटना दिनांक से जो है पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। 2 आरोपी को पकड़ लिया गया था, उसको लगातार पुलिस ने तलाश किया, वो नहीं मिला। एक्चुअली वो महाराष्ट्र भाग गया था पर उसका पर्टिकुलर कोई लोकेशन मिल नहीं पा रहा था हमको। तो पुलिस ने वो 2 आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया था, इसके ऊपर इनाम भी डिक्लेयर हो गया था, 2500 इनाम डिक्लेयर हुआ था। पुलिस उसको तलाश करने के लिए उनके घर जाती थी तो वो उसकी पत्नी और उसकी माँ बहुत इरीटेट होती थी, वो धमकियाँ देती थी कि हम सुसाइड करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन चूंकि पुलिस के पास एक वही एकमात्र जरिया थी जिसके माध्यम से पुलिस आरोपी तक पहुँच पाते, लेकिन वहाँ पर बड़ा असमंजस की स्थिति बनती थी। उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था चूँकि बहुत गंभीर अपराध था वो और फरार आरोपी था। उनको हमने जैसे तैसे थाने बुलवाया तो थाने बोलने पर भी वो इसी बात को लेके उसकी माँ की तो बोले मेरी तबीयत ख़राब हो रही साहब, मैं हमने उनको बाहर बिठाया। उसकी पत्नी से मैं लगातार इस बात के लिए बात कर रहा था कि आप पुलिस पे विश्वास करें, पुलिस उससे कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगी। एक्चुअली उनको यह था कि चूँकि पुलिस को चकमा दे के भागा है तो ये पुलिस उससे
उस ढंग से व्यवहार करेगी। लेकिन मैं उसको बार बार विश्वास दिला रहा था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। तो अचानक से वहाँ एक नाटकीय मोड़ ये आया कि एक्चुअली वो जब हमारी TI हमारा भाई मुहिम जब चल रही थी, तो वो बहुत सारे राखी मेरी कलाई पे बंधी थी, उसमें से बहुत सारी राखियाँ मेरी कलाई में बंधी थी और बहुत सारी मैं छोड़ छोड़ के वहीं टेबल पर रखता रहता था फुर्सत में। तो वो राखियाँ जो रखी थी और कलाई पर कभी नज़र पड़ती, कभी उसकी टेबल की राखियों पर नज़र पड़ती, तो मैं थोड़ा सा देखा कि इनकी नज़र इस पर पड़ रही है। तो मैंने उनको आखिरी में मेरे को ये बोलना पड़ा, बल्कि बोलूँगा ऐसा मैं, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से विश्वास करने तैयार नहीं थी। मैं तो मैंने कहा तुम्हारे जैसी बहुत सारी महिलाएं आई हैं थाने में, मुझको राखी बांधी है, उनका कोई स्वार्थ नहीं और मेरा भी कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन अगर तुमको पुलिस पर भरोसा नहीं है, मेरे पर भरोसा नहीं है, तो रक्षाबंधन पर तो भरोसा है, राखी पर तो भरोसा है। तो मेरा इतना कहना था कि उसने वहाँ से एक राखी उठाई और मेरी कलाई पर बांध दी। बोले सर अब आपके ऊपर पूरा भरोसा है, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। मैंने कहा आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो वहाँ से वो मुश्किल से फिर 3 दिन हुए लगभग, और उनका कॉल आया कि सर आप थोड़ा सा यहाँ तक आ सकते हैं अगर। तो मैं गया तो वो फरार आरोपी वहीं पर था और उन्होंने उसको अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि वो भी चाहते थे मामले का डिस्पोजल हो जल्दी से, वो भी फरार हो के परेशान हो रहे थे। तो वो एक विश्वास की कमी जो थी, वो एक्चुअली पुलिस और पब्लिक के बीच की एक बहुत बड़ी जो कमज़ोरी है वो विश्वास की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है, जिसका फ़ायदा जो बिचौलिए दलाल ये लोग भी कभी उठा लेते हैं। जी सर, इस मुहिम की हर जगह तारीफ भी हुई, सर कहाँ तक पहुँची बात? इस मुहिम को बहुत सारे थाना प्रभारियों ने इसको अपनाया, और चूंकि इसके रिजल्ट एक सामाजिक मैसेज, एक सामाजिक समरसता की तरफ तो जाता ही है, सामुदायिक पुलिसिंग की तरफ जाता है, वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाता है, साथ में बेसिक पुलिसिंग में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक तो सबसे अच्छी बात तो ये कि पुलिस का जो बेसिक काम है अपराधों की रोकथाम करना, उसमें इसके बहुत अपराध होने के पहले रुके हैं। तो अपराध मैं जिस थाने में था छपारा में, जब साल के अंत में जब आंकड़े मैंने देखे तो महिला संबंधी अपराधों का ग्राफ पूरा डाउन हो गया था वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी, इसके बाद अपराधों का इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सुराग हासिल होते हैं, अपराधियों को पकड़ने में कई बार हमको बहुत अच्छे सुराग मिलते हैं। और अभी तो बल्कि लास्ट रक्षाबंधन पे UP पुलिस के जो DG साहब हैं, उन्होंने अपनी पूरी पुलिस को, यूपी पुलिस को इस बारे में निर्देश जारी किए थे कि सभी अपने अपने थाने में, थाना जितने पुलिस वाले हैं वो सभी अपने क्षेत्र की महिलाओं से राखी बंधवाएंगे, क्योंकि इसका एक अच्छा मैसेज जाता है और एक सामाजिक सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में बहुत अच्छा होता है। तो यूपी पुलिस से लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी इसको अपनाया, छत्तीसगढ़ पुलिस के कई अधिकारियों ने अपनाया, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इसको अपनाया। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को पसंद आई ये बात और वो अच्छा लग रहा है। जी सर, आपको लगता है कि क्या इसके कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं? अगर कोई भी मुहिम चालू हुई है तो हो सकता है लोग इसका कुछ गलत फ़ायदा उठाएं, या कुछ नेगेटिविटीज मुहिम की? देखिए, नेगेटिविटी की तरफ तो मैं जाता नहीं हूँ। अच्छी बात यह है कि उसका नेगेटिविटी अभी तक मेरे सामने कोई इस टाइप से नहीं आई। पुलिस जो भी काम करती है वो आंख बंद करके नहीं कर सकती, वो कोई भी काम को करती है अच्छी मानसिकता के साथ करती है, लेकिन अपना पुलिसिया जो एटीट्यूड है वो उसको वो छोड़ती नहीं है, और पुलिसिया जो अलर्टनेस है वो उसको नहीं छोड़ती है। तो मेरे सामने ऐसा कोई निगेटिव इसका कभी असर सामने नहीं आया, क्योंकि एक पुलिस अपनी तरफ से पॉजिटिव साइन दे रही है और सब जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें। हाँ, कोई निगेटिव लोग अगर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उस ढंग से पेश आती है। जी सर, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि पुलिस बहुत मेहनत करती है, और पुलिस की एक अंग्रेज़ों के समय से कुछ नकारात्मक इमेज बनी पड़ी है। पुलिस को वो लोग भी कई बार मैंने देखा है बुरा बोलते हैं जिन कभी पुलिस से पाला ही नहीं पड़ा। जी। तो ये चीज़ पुलिस वालों को बड़ा हार्ड करती है। पुलिस तमाम त्याग करके और तमाम चीज़ों को छोड़ के अपनी ड्यूटी करती है, तो पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।